दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन में जो पिक्सल लैब ऐप है उसमें फॉन्ट ऐड कैसे कर सकते हैं। 2024 में जब से पिक्सल लैब का अपडेट आया कुछ इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिला, तो आज इसी का सॉल्यूशन लेकर के आए और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं कि आप अपने फोन में जो पिक्सल लैब ऐप है उसमें भाई फॉन्ट ऐड कैसे कर सकते हैं और फॉन्ट जो है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई पिक्सल लैब ऐप में फॉन्ट ऐड करने से पहले ये देख लेना कि आपका जो पिक्सल लैब ऐप है वो अपडेट है या नहीं। अगर जो भाई नहीं अपडेट है तो उसको अपडेट कर लीजिए और उसके बाद ये जो ट्रिक है वो काम करेगा। तो भाई आपको गूगल या तो फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। यहाँ पे हम गूगल ओपन किए और यहाँ पे लिखते हैं पिक्सल लैब फॉन्ट, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में जो ये वेबसाइट आ रहा है इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाले पे ये क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए कितना सारा फॉन्ट आ रहा है और भाई इसमें 40 पेज है जो कि फॉन्ट का है ना, वो 40 पेज है और एक पेज में भाई देख लीजिए इतना सा फॉन्ट है। तो चलिए यहाँ से हम कोई एक फॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं और अभी आपको हम दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से ये वाला जो है ना हम ये कर लेते हैं डाउनलोड, ये वाला फॉन्ट, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ कॉर्नर में यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा ना जो आपका फॉन्ट है ऊपर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए डाउनलोड फाइल आ गया, तो आपको वेट कर लेना जब तक आपका फॉन्ट डाउनलोड नहीं हो जाता, ठीक है। तो मेरा जो फॉन्ट है वो डाउनलोड हो रहा है तो हम वेट कर लेते हैं। और भाई यहाँ से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ नहीं, और मेरा जो फॉन्ट है वो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद भाई आपको अपना जो फाइल मैनेजर है उसमें आ जाना। चलिए यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं अपना फाइल मैनेजर, ठीक है। देख लीजिए जो फाइल मैनेजर है वो ओपन कर लिया। अब भाई यहाँ पे जो आपका डाउनलोड फाइल है वो कहाँ पे आप सेव करके रखे वो देख लीजिएगा। भाई यहाँ पे हम डाउनलोड में आए और यहाँ पे जो मेरा फाइल है वो यहाँ पे आ गया, देख लीजिए ये वाला। तो इस पे होल्ड प्रेस करके रखना है, ठीक है ना। प्रेस करने के बाद भाई नीचे में यहाँ पे आपको थ्री लाइन देखने को मिल जाएगा, यानी कि मोर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस मोर वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मोर वाले पे क्लिक कीजिएगा ना यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट ए फोल्डर, तो यहाँ से हम एक फोल्डर बना लेते हैं और उसमें जो फॉन्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से बना लेते फॉन्ट, फॉन्ट करके एक फोल्डर बना लेते, फॉन्ट टू कर देते, ठीक है। ऑलरेडी भाई मेरे पास ऑलरेडी एक फॉन्ट टू करके फोल्डर है तो इसको डबल टू कर देते, ठीक है ना। और यहाँ से कर देते सेव और यहाँ से कर देते एक्सट्रैक्ट। अब भाई आपको ओपन कर लेना पिक्सल लैब ऐप को, ठीक है ना। बस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अगर जो वीडियो आप यहां तक देख लिया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद भाई आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते थे, इसलिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद यहां से ओपन कर लेते पिक्सल लैब, ठीक है। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद भाई यहां पहले आपको ऊपर में भी दिखा देते हैं जो मेरा फॉन्ट ये है और भाई नीचे स्क्रॉल करके दिखा देते हैं अभी, ठीक है ना। जो मेरा नीचे में फॉन्ट है वो ये है, देख लीजिए यहाँ पे। अब भाई जो ऐड करेंगे ना या तो ऊपर भी आ सकता है या तो नीचे भी आ सकता है, इसीलिए भाई हम आपको दोनों दिखा दें कि कहीं पे आएगा ना तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ ऊपर में आपको ऊपर में ही यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक टी प्लस करके एक फाइल प्लस करके। तो आपको यहाँ पर जो टी वाले ऑप्शन है ना इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो आपका जो फाइल है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो भाई अभी हम फाइल बनाए थे फॉन्ट डबल टू करके जो फाइल बनाए थे वो यहाँ पे, तो इस पे आपको क्लिक कर देना, फिर से इसको ओपन कर लेना और यहाँ से जो फॉन्ट है उसको कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद भाई ऊपर में यहाँ पे सेलेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना जो आपका फॉन्ट है वो यहाँ पे ऐड हो गया। चलिए दिखा देते हैं नीचे या ऊपर में, बट कहीं पे जो फॉन्ट है ना वो ऐड हो गया, ठीक है। चलिए आपको दिखा देते हैं जो फॉन्ट है वो फॉन्ट का नाम ही सर्च करके आपको भी हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो फॉन्ट का नाम क्या है, बटन, चलिए यहाँ पे हम सर्च कर देते बी एट टी। देख लीजिए जो मेरा फॉन्ट है वो यहाँ पे आ गया, देख लीजिए ये रहा मेरा फॉन्ट, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपने पिक्सल लैब ऐप में फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं किसी जल्द वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।